विपक्ष के लोगों का तो बीपी बढ़ना स्वाभाविक है। भाई वहाँ लालू जी वाला रिपोर्टवा जारी किया है कि नहीं, वो जो बीपी का मशीन है उसको दिल्ली एम्स में ले जा करके सच्चाई बता दें कि कितना बीपी अभी है और कितना उनका ब्लड प्रेशर है, भी बता दें बिहार की जनता। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में तमाम जो सवाल है विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं, सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिया जा रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। इस बीच कल बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गर्मा गए, गुस्से में दिखे, भयंकर गुस्सा सीएम नीतीश कुमार का देखने को मिला आरजेडी के एमएलसी पर। लेकिन इसके बाद आज जब बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होनी थी उससे पहले आरजेडी एमएलए मुकेश रोशन बीपी जांच करने वाली मशीन लेकर पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन किस तरीके से अल्लाह वगैरह लेकर पहुंचे थे बिहार विधानसभा। इसके बाद उन्होंने कहा कि लगातार सवाल पूछने से सत्ता पक्ष के लोगों का, खासतौर पर मुख्यमंत्री जी का बीपी बढ़ जा रहा है और इसके बाद ही वो लेकर पहुंचे हैं जांच करने वाला मशीन बिहार विधानसभा में। आज जब बिहार विधानसभा और विधान परिषद से बाहर निकले विधायक पवन जायसवाल और जेडीयू के ओर से एमएलसी नीरज कुमार, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है जरा सबसे पहले आप सुनिए। एक ऐसा है कि इन लोग जब सत्ता में थे तब इनका बीपी बढ़ा हुआ था 15 साल उस राजपाट में, और जब हटे हैं 15 साल से सत्ता में नहीं है तो इनका और ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसके लिए वो लेके घूम रहे हैं। मजाक में कह दिए होंगे कि वो मुख्यमंत्री जी का नापने जा रहे हैं, वो अपने लिए लेके घूम रहे हैं चूंकि उनका बीपी बराबर बढ़ा रहता है। विपक्ष के लोगों का तो बीपी बढ़ना स्वाभाविक है, सत्ता से बाहर है कि गुस्सा आ जाता है मुख्यमंत्री को, इतना गुस्सा आखिर क्यों आ जाए? मुख्यमंत्री जी गुस्सा नहीं आता है, मुख्यमंत्री जी माननीय सदस्य को समझाते हैं कि आप विवेक से काम कीजिए, विवेक से तो गार्जियन है तो समझाने का उनको हक है, मानना पड़ेगा। पहले लालू जी भी समझाते थे। आज राजद के विधायकों के द्वारा शराबबंदी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था और साफ तौर पर दिन रात तो झारखंड और बंगाल और नेपाल घूमते हैं वो लोग कौन शराबबंदी की बात करते हैं भाई, वो लोग को शराबबंदी से क्या मतलब है? मेरे यहाँ मोतिहारी में जो गाड़ी पकड़ाया उसमें झंडा लगा था, क्या मतलब है? वो लोग की बात करना ही वो लोग के लिए शर्मनाक चीज़ है, वो लोग को नहीं करना चाहिए। शराब पी रहे हैं क्या? अभी तब आप जानते होंगे, हम कह रहे हैं कि नेपाल जाते हैं, बंगाल जाते हैं, वो झारखंड जाते हैं, अब क्यों जाते हैं उनसे पूछिएगा ना आप, उनकी हाजिरी देखिए कभी, आप कहाँ रहते हैं, उनकी गाड़ी जाके देखिए। गोपाल मंडल जी पे क्या कहिए, वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो बंदूक रहता, हम गोली मार देते हैं। गोपाल मंडल जी से आप जैसे पूछे होंगे वैसा वो जवाब आपको दिए होंगे, गोपाल मंडल जी माननीय सदस्य हैं और वैसी बात आप हमसे कमाना चाहते हैं। आपके साथ ही विधायक हैं हरिभूषण पचौल जी, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का बीपी जांचने की जरूरत नहीं है, राजद के विधायक खुद अपना फुल बॉडी स्कैन कराए। ठीक बोले हैं, वही तो हम बोल रहे हैं कि 15 साल पहले से इनका बीपी बढ़ा हुआ है आरजेडी के लोग, विपक्ष के लोगों का, और ये अपना बीपी नापने के लिए लेकर घूम रहे हैं, लेकिन जब हाथ में रहा होगा तो ना भी क्या? विपक्ष की सभी लोग जो लोग बीपी से ग्रसित हैं वो अपना जांच करा लें, अगर दिक्कत हो तो कहें तो हम लोग माननीय सदस्य खरीद के उनको दे देंगे, हम लोग अपने से दे देंगे, चूंकि हमारे माननीय सदस्य हैं सब लोग, तो हम लोग सीनियर हैं, हम लोग अपना से दे देंगे। अब वहाँ लालू जी वाला रिपोर्टवा जारी किए हैं कि नहीं, वो जो ब्लड शुगर इस सब वाला रिपोर्ट अद्यतन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको करना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी नियमों का हवाला देते हैं तो इसके लिए राजनीति में तनाव में नहीं आना चाहिए। कार्य संचालन नियमावली को अगर पढ़ने और उसका अनुसरण करने में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो यह खेदजनक है। भाई तो सदन के अंदर में ये क्या है, सदन के अंदर आपने शपथ लिया, आपको कार्य संचालन नियमावली का की पुस्तक दिया जाता है तो उसका अनुपालन आप करेंगे कि नहीं, ये जिम्मेवारी हमारी है कि नहीं? हम सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें सबकी जिम्मेवारी है, और हम अनुरोध करेंगे कि वो जो बीपी का मशीन है उसको दिल्ली एम्स में ले जा करके सच्चाई बता दें कि कितना बीपी अभी है और कितना उनका ब्लड प्रेशर है, भी बता दें बिहार की जनता को। तो बीजेपी विधायक और जेडीयू के एमएलए ने रगड़ दिया है आरजेडी के विधायक को, क्योंकि बीपी जांच करने पहुंचे थे आरजेडी विधायक मुकेश रोशन, लेकिन सवाल पूछ दिया है जेडीयू ने कि क्या लालू जी का बीपी जांच किए हैं कि नहीं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।